चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर धौलपुर जिले में धारा 144 एवं लॉकडाउन प्रभावी होने से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध है, परंतु आगामी दिवसों में अक्षय तृतीया को अबूझ सावा होने से सामान्य बहुत अधिक विवाह कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। इन परिस्थितियों में आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए जिले में होने वाले विवाह कार्यक्रम करने हेतु धारा 144 में आंशिक छूट देते हुए कुछ आवश्यक शर्तों के साथ संबंधित उपखंड अधिकारियों को अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान होने वाले शादी समारोह में वर वधु एवं उनके माता पिता सहित अधिकतम 8 लोगों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। जिले से बाहर अन्य जिलों राज्यों में बारात का आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि अनुमति जारी करते समय संबंधित उपखंड अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवाह कार्यक्रम बाल विवाह का तो नहीं है। अनुमति पत्र में विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों अधिकतम 8 के नाम, पते, आयु, मोबाइल नंबर, संबंध एवं विवाह स्थल की सूचना अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कोई भी बाल विवाह संपन्न नहीं हो। कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावनाओं को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि विवाह कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के हलवाई की व्यवस्था नहीं होगी तथा सामूहिक भोज का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार के टेंट आदि नहीं लगाए जाएंगे तथा फोटोग्राफर को भी अनुमति नहीं होगी। यदि किसी टेंट मालिक के द्वारा टेंट लगाया जाता है तो हलवाई व फोटोग्राफर के द्वारा शादी में कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तरीय कोर कमेटी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम निगरानी दल के सदस्यों तथा ग्रामवार गठित कोरोना वॉलंटियर ग्रुप के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपखंड अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र में लगाई गई शर्तों की पालना की जा रही है तथा इस आदेश में वर्णित शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना अधिकारी के द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आदेश के द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक शर्तों की पूर्णता पालना की जा रही है। सामाजिक दूरी के नियमों, मास्क से मुंह ढकने एवं सैनिटाइजर साबुन से हाथ साफ करने के निर्देशों का पालन किया जाएगा। अगर बिना अनुमति एवं अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति किसी वाहन में पाए जाते हैं तो उस वाहन का पंजीयन या पत्रा जब्त होगा एवं ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा तथा वाहन को भी जब्त किया जाएगा। किसी भी दिशा निर्देश के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से अनुमति निरस्त की जाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के दंडात्मक प्रावधानों के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज। सीआरपीसी में जो हमने निषेधात्मक आदेश जारी किए थे उसमें सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक आयोजन के प्रतिबंध लगाया गया था। अभी आखा तीज का त्यौहार आ रहा है और जो राजस्थान की सामाजिक जो रीतियां हैं उसके मुताबिक अबूझ सावा होता है, जिसमें कि बिना मूड का सावा होता है और काफ़ी व्यापक पैमाने के शादी होते हैं। तो पहली तो हमने एडवाइजरी ये जारी की है कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के शादी के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाए, और यदि आयोजन भी किया जाए तो उसमें हमने वर वधु और उनके माता पिता सहित कुल अधिकतम 8 लोगों के लिए अनुमति का प्रावधान किया है कि वर वधु के दोनों के परिवार कुल मिला के 8 अधिकतम लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। इसमें जिले के बाहर अन्य जिलों और अन्य राज्यों में किसी भी प्रकार का आना जाना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेरे पास इस आशय की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या आगरा से, मुरैना से, ग्वालियर से, जो समीपवर्ती जो एमपी यूपी के ज़िले हैं उनसे बारात का आगमन हो सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमने इस बात को कानूनन प्रतिबंध लगाया कि जिले से बाहर का कोई मूवमेंट अनुमत नहीं होगा, और अगर कोई किया जाता है तो कानूनन अपराध होगा। इसके अलावा ये ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि बाल विवाह नहीं है, ये सुनिश्चित कर लें। एसडीएम को परमिशन के लिए ऑथराइज किया है और वो इस बात की सुनिश्चितता करेंगे कि बाल विवाह तो नहीं है। नंबर वन, जो शादी में शामिल होंगे व्यक्ति उनके नाम, पते, आयु, मोबाइल नंबर, विवाह स्थल की सूचना उनको देनी पड़ेगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हैंड वॉशिंग के जो सिस्टम्स हैं उनकी पूर्ण पालना करनी पड़ेगी। सरकार के द्वारा समय समय पर जारी हेल्थ एडवाइजरीज की पालना करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने ये भी किया है कि हलवाई, टेंट और फोटोग्राफर
इन तीनों को इसमें अनुमति हमने नहीं दी, क्योंकि जब संख्या को हमें बहुत बेयर मिनिमम तक सीमित करना था तो इसके हिसाब से हमने चीज़ों को नियंत्रित किया है कि हलवाई, फोटोग्राफर, टेंट मालिक की उपस्थिति नहीं रहेगी, तथा चूँकि व्यापक पैमाने पर ये कार्यक्रम की प्रथा रही है, इसको देखते हुए हमने ग्राम स्तरीय कोर कमेटी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम निगरानी दल, जिनका कि ग्रामवार गठन किया गया है, उनसे ये उम्मीद की है कि उस ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश है उसकी वो पालना सुनिश्चित कराएं। इसमें हमारी आंगनवाड़ी और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं विशेष रूप से, उन पर भी हमने ये कहा है कि जो अनुमति पत्र के साथ जो प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई गई हैं उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के SGO, तहसीलदार, SHO भी इस बात का ध्यान रखेंगे भ्रमण के दौरान कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं हो। अंत में मैंने सबसे ये उम्मीद की है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है उसका किसी भी प्रकार का इसमें उल्लंघन नहीं हो। वाहनों के प्रयोग में भी ये हमने कहा है कि वाहनों का प्रयोग अनुमत सीमा तक ही हो और जिनको अनुमति पत्र प्राप्त हो उन्हीं के द्वारा हो, अन्यथा RC जब्त की जाएगी, ड्राइविंग का लाइसेंस जो है वो निलंबित किया जाएगा और वाहन को भी जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जो अपने आप में बाध्यकारी प्रभाव रखता है, और तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत इसमें जो शर्तें लगाई हैं उनकी पालना अनिवार्य। कुल मिला के हमारी उम्मीद है कि विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध हमने जो लगाए हैं, तो प्रथमतः तो इस प्रकार की शादियों का आयोजन जहाँ तक संभव न किया जाए, अंतर जिला और अंतर्राज्यीय जो हमारी शादियाँ हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, और अति आवश्यक परिस्थितियों में SGM के द्वारा इन शर्तों को देखते हुए आयोजन हो सके। धौलपुर शहर के हलवाइयों ने प्रतिदिन सुबह जलेबी समोसे का नाश्ता करने वाले अपने ग्राहकों की हसरतों का ख्याल रखते हुए अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी आय का जरिया निकाल लिया है। लॉकडाउन के बाद शहर में हलवाई आदि की दुकानें बंद होने से जहां अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए थे, वहीं सुबह नाश्ते में प्रसिद्ध कचौड़ी, जलेबी, समोसे जैसे क्षेत्रीय व्यंजन लेने वाले मायूस हो गए थे। इन हालातों को भांपते हुए इन व्यंजनों को बनाने वाले कारीगरों ने होम डिलीवरी की तैयारी कर ली है। अधिकांश ने अपने ही घरों पर खाद्य सामग्री व वारदाना एकत्र कर सुबह से ही इनका निर्माण शुरू कर दिया। इन लोगों ने अपने नियमित ग्राहकों को फोन पर अथवा उनके घर पहुंचकर उनके पसंदीदा व्यंजन उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इसके अलावा इन कारीगरों ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों व मोहल्लों में साइकिल अथवा सिर पर रखकर फेरी लगवाकर भी जलेबी समोसों की बिक्री शुरू कर दी। इस दौरान इन्होंने अपनी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया। ग्राहक जता रहे कि अच्छा समोसा कारीगर जेल रोड स्थित नयापुरा निवासी रवि ने बताया कि वह लॉकडाउन से पहले शहर में एक हलवाई की दुकान पर काम करता था, लेकिन इसके बाद दुकान बंद होने पर वह बेरोजगार हो गया तो उसके सामने आर्थिक तंगी आने लगी। इससे परेशान हो उसने अपने नियमित ग्राहकों से फोन पर बात की तो उन्होंने समोसे खाने की इच्छा जताई। इस पर उसने घर में ही उपलब्ध गैस चूल्हे व कढ़ाई सहित अन्य बर्तनों का उपयोग कर समोसा बनाकर अपने ग्राहकों को उनके घर पर ही पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि अब वह प्रतिदिन घर पर समोसे बनाकर जहां अपने नियमित ग्राहकों को उनके घर देकर आता है, वहीं कुछ मॉल तथा आसपास के मोहल्लों में फेरी लगाकर बेच देता है। इससे वह करीब 200 से 250 रुपए कमा लेता है। लॉकडाउन के इस दौर में भी वह इतनी आय से प्रसन्न है। ऑर्डर मिलते हुए गरम गरम पहुंचा रहे कायस्थपड़ा मोहल्ला में पुलिया के पास रहने वाले किताब सिंह हलवाई की कहानी भी कुछ इस प्रकार की है। वे भी लॉकडाउन के बाद से प्रतिदिन अपने घर पर ही उपलब्ध संसाधनों से करीब 4 किलो मैदा के फैन की जलेबियां बनाकर अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे तैयार होने पर ग्राहकों को फोन कर देते हैं और उनके आने पर गरम गरम जलेबियां पैक कर देते हैं। इसके अलावा कई ग्राहकों को उनकी मांग पर वे स्वयं ही ग्राहकों के घर पहुंचा आते हैं। उन्होंने बताया इससे जहां उनके ग्राहक टूटने का खतरा नहीं है, वहीं उन्हें भी रोजगार मिला हुआ है। दर भी उन्होंने पूर्व की भांति ही बाजार भाव के मुताबिक ही तय की है। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार 8 कार्य की अवधि में 1 घंटे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में अत्यधिक गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजना अंतर्गत कार्यों का समय तुरंत प्रभाव से प्रातः 6 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक विश्राम 30 मिनट रहित निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मास्टर रोल में अंकित टास्क प्रपत्ता में करवाने के उपरांत एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्यस्थल छोड़ सकता है। यह व्यवस्था दिनांक 15/7/20 तक अथवा मानसून आने तक जो भी पहले हो तक के लिए प्रभावी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज।
धौलपुर कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन घोषित है। इसके बावजूद गैस एजेंसियां धज्जियां उड़ाती दिख रही हैं। वे होम डिलीवरी करने की बजाय सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके गैस की सप्लाई कर रही हैं, जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के नियमों का सरेआम उल्लंघन है। बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद घरेलू गैस लेने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है और भीड़ में सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। निजी गैस संचालक भीड़ इकट्ठा करके गैस वितरण कर रहे हैं, जबकि गैस एजेंसी को इस समय होम डिलीवरी करनी चाहिए। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर हैं। लगातार कई हफ्तों से लोगों का रोज कोरोना से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने के महत्व को बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। घरों से बाहर घूमने वालों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है, बावजूद इसके लोग पालन करने को तैयार नहीं हैं। बैंकों, गैस एजेंसी, सब्जी, पसरा, राशन दुकानों में बेतहाशा भीड़ 4 से 5 घंटे रहती है। बता दें कि इन जगहों पर काफ़ी लोग जुटते हैं, जो पहले हम की तर्ज पर एक दूसरे से सिमटे रहते हैं और धक्का मुक्की भी होती रहती है। मनिया क्षेत्र के गांव मांग रोल में एक गैस एजेंसी पर भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस क्या है जानते ही ना हो। वहीं गैस एजेंसी संचालक भी मनमानी चलते खूब सप्लाई कर रहे हैं, जबकि लोगों के घरों तक गैस पहुंचाने की सरकार की ओर से जिम्मेदारी मिली है। ऐसी हालत में कोरोना जैसी महामारी से लड़ना मुश्किल होगा और जल्द राहत मिलने की बजाय और ज़्यादा वक्त तक स्थिति सामान्य होने में लग सकती है, साथ ही संक्रमण का खतरा आसानी से बढ़ जाएगा। यह सारी भीड़ प्रधानमंत्री गैस उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर को लेकर है, लेकिन संचालकों को कोई फर्क तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज़। आज कटहलपुरा ग्राम में फेंसिंग में फंसने से एक रोज का बच्चा घायल हो गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग बसेड़ी को दी। सूचना मिलते ही तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर रोज के बच्चे का रेस्क्यू किया तथा पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका उपचार किया। मौके पर गुलाब सिंह वनपाल, पवन शर्मा वन रक्षक, श्री कृष्ण वृक्ष पालक, पूरन सिंह आदि स्टाफ मौजूद रहे। सुबह कटेलपुरा ग्राम से एक रोज के बच्चे के घायल होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत अपने स्टाफ के साथ कटेलपुरा ग्राम पहुंचे तथा रोज के बच्चे का रेस्क्यू किया तथा मौके पर ही पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम को बुलाकर उसका उपचार करवाया। दंदों को छूट दी गई है और कुछ असेंशियल जो है, दूसरी जो चीज़ें हैं, परचूनी की दुकान के अलावा जो दूसरी थी, धोबी और कुछ दूसरे जो सेवाएँ थी, उनको छूट दी गई है। लेकिन आम लोगों के आज़ादी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक बाज़ार में घूमने की आज़ादी नहीं मिली है। कल मैंने एसपी साहब ने विजिट की धौलपुर शहर की, आज मैं और एसपी साहब बाड़ी और बसेड़ी आकस्मिक तौर पर गए, जिसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी गई। हमारा मकसद है कि धौलपुर में लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराई जाए। भारत के कुल चुनिंदा उन 22 जिलों में हमारी गणना है, जहाँ की गत 16 दिनों में किसी प्रकार का संक्रमण का प्रभाव नहीं है, लेकिन मुरैना, आगरा और बयाना ये जो हॉट स्पॉट तीनों तरफ से हम घिरे हुए हैं, उसकी वजह से हमें सतर्कता के उच्चतम स्तर की पालना आवश्यक है। उसी दिशा में हम लोगों ने लोगों को समझाइश का प्रयास किया, पर कुछ लोग समझाइश के बावजूद अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे हैं और फेस मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनको भी हमने इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो आज उनको शपथ भी दिलाई है कि वो अब आइंदा से एक अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें और मास्क पहने और दूसरों को भी इसके लिए देखा कि एक बार कुछ लोगों ने मॉडिफाइड लॉकडाउन की तोड़ा, उसके बाद आपका दौरा हुआ, उसके बाद लगातार कार्रवाई हुई, आज भी कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई आज और क्या निर्देश दिए गए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर लोगों में जो भ्रम था, तो कल काफ़ी संख्या में लोगों को जो बगैर मास्क के बाज़ार में या अनावश्यक रूप से बगैर किसी कारण के घूमते हुए पाए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। धारा 151 के तहत उन्हें पाबंद भी किया गया। आज फिर से जो है पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लगभग 21 व्यक्ति जो हैं जिन्हें 151 में गिरफ्तार किया गया और उनको जो है हिदायत दी गई है। उसके बाद में अभी शाम को जो है एक नया प्रयोग श्रीमान कलेक्टर साहब के द्वारा किया गया है, जिसमें मेरे उपस्थिति में, कलेक्टर साहब की उपस्थिति में, उन सभी को शपथ दिलाई गई है कि आने वाले समय में इस तरह से जो है लापरवाही वो नहीं करेंगे। स्वयं का जीवन तो संकट में डाल ही रहे हैं और अपने आसपास के लोगों का भी जीवन जो है वो संकट में डाल रहे हैं। इस हिदायत के अलावा यदि यही व्यक्ति आगामी समय में फिर से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा।